पहाड़ों से लेकर मैदानों तक इस समय सभी लोग बारिश की आफत झेल रहे हैं। पहाड़ों पर जहां भारी बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर हैं, तो मैदानों में भी कमोबेश यही हाल है। पंजाब भी बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। वैसे में अभिनेता सोनू सूद ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। भारी बारिश के बाद दिल्ली के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में भी कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब की माटी से जुड़े बॉलीवुड स्टार और एक्टर सोनू सूद ने पंजाब की ओर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और बारिश की मार झेल रहे लोगों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है। अभिनेता सोनू सूद ने सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे प्यारे पंजाब, मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है, क्योंकि बाढ़ ने उस भूमि पर कहर बरपाया है जिसने मुझे बड़ा किया है। ऐसे में मैं बेकार खड़ा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पंजाब ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब वापस लौटने का समय आ गया है। सोनू सूद ने अपने ट्वीट में लिखा कि साथ मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे और जरूरतमंद साथी पंजाबियों के लिए मजबूत होकर उभरेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में सूद चैरिटी फाउंडेशन का एक नंबर 7888675107 भी जारी किया है। साथ ही लिखा है कि कोई जरूरतमंद इस नंबर पर हमें SMS के माध्यम से संदेश भेज सकता है, उस तक मदद पहुंचेगी। ट्वीट में उन्होंने अपनी बहन के साथ फोटो भी शेयर की है। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद एक अभिनेता के रूप में तो मशहूर हैं ही, वो एक सफल समाज सेवक भी हैं। कई मौके पर उन्होंने देशवासियों की मदद की है, चाहे वो कोई आपदा हो या फिर कोरोना काल। सोनू सूद की फाउंडेशन कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों के साथ खड़ी थी। सोनू सूद ने पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोगों की मदद की। किसी को हवाई जहाज, किसी को गाड़ी से उनके घर तक पहुंचाया, तो किसी को इलाज के लिए पैसा भी दिया था। यहां तक कि बहुत सारे लोगों को खाने पीने का सामान भी पहुंचाकर उनकी मदद की। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।